नमस्कार 11 स्पेशल के साथ मैं हूं दीपक कुमार। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में तेजी से कहर बरपा रही है। झारखंड भी दूसरी लहर के चपेट में है। कोरोना की चेन को तोड़ने में प्रशासन जुटा हुआ है। जनता से सहयोग की अपील की जा रही है। प्रशासन को एक साथ कई मोर्चों पर कमान संभालना पड़ रहा है। अस्पताल में व्यवस्था सुचारू कैसे रहे, दवाओं की कालाबाजारी कैसे रुके, बेवजह लोग बाहर ना निकले, राशन की कालाबाजारी ना हो, इन तमाम समस्याओं पर प्रशासन को नजर रखनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर बनी चुनौती। दूसरी लहर को रोकने में जुटा प्रशासन। जनता के सहयोग से टूटेगा कोरोना का चेन। हर मरीज तक पहुंच रहा प्रशासन। अस्पताल से अंतिम संस्कार तक प्रशासन मुस्तैद। लोगों को लगातार जागरूक करने में जुटा प्रशासन। कोविड काल में प्रशासन के जज्बे को सलाम। कोरोना की दूसरी लहर को तोड़ने में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अस्पताल की व्यवस्था से लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने तक टीम लगी हुई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है ताकि किसी तरह कोरोना का चेन टूटे। देवघर के एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करना होगा। घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी हो। बेवजह शहर में नहीं घूमे, जब तक आवश्यक हो घर से बाहर नहीं निकले। जब तक ये चेन जो है संक्रमण का, उस चेन को खत्म नहीं करेंगे तब तक इस महामारी पे काबू पाना कठिन होगा। तो सबसे पहले तो लोगों से अपील है कि इस चेन को खत्म करने के लिए जब तक अति आवश्यक नहीं हो, अनिवार्य नहीं हो, घर से बाहर निकलें, नहीं निकलें। इधर धनबाद में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीसी उमा शंकर सिंह ने लोगों से अपील की और कहा कि कोरोना का नया वेव खतरनाक है। मेजर सिस्टम दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो मेरा आग्रह ये हुआ कि जैसे ही मेजर सिम्टम्स किसी पेशेंट को दिखना शुरू हो जाए उसको तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान जहां पे कोविड हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है वहां पे तुरंत रस करना चाहिए और अपनी इलाज करानी। एक तरफ प्रशासन की टीम चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स लापरवाही बरतने से भी बाज नहीं आ रहे। रांची के सिविल सर्जन की ओर से बार बार निर्देश भेजे जाने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। जिला प्रशासन ने ऐसे 51 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और 5 चिकित्सकों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। कई डॉक्टर्स ऐसे भी पाए गए हैं जिनको नोटिस देने के बावजूद भी, कारण परीक्षा करने के बाद भी, उन्होंने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी डॉक्टर्स को ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई आप पे किया नहीं है, परंतु जिला प्रशासन बाध्य हो जाएगा एपिडेमिक एक्ट और डीएम एक्ट के अंतर्गत आप पे कार्रवाई करने के लिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो आप पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम लोग विभाग को लिखेंगे और डीएम एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत निश्चित रूप से आप पे एफआईआर भी कराई जाएगी। आपदा को अवसर में बदलने वाले कालाबाजारियों पर भी प्रशासन को नजर रखनी पड़ रही है। जमशेदपुर में जिला आपूर्ति विभाग की उड़नदस्ता की टीम शहर में लगातार कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी कर रही है। कालाबाजारी या जमाखोरी का लोग नहीं करें दुकानदार, और जो अभी थोड़ा सा कुछ सामग्री का जो खाद्य तेल है उसका रेट पे लोगों का शंका जा रहा था, तो उन्हीं सब चीज़ों का हम लोग प्रत्येक दुकान में जाके देख रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है कि नहीं है। दूसरा चीज़ कि ये लोग जो मूल्य ले रहे हैं वो निर्धारित मूल्य से अधिक तो नहीं है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन की भूमिका काबिले तारीफ है। कोरोना से बचने के लिए हर कोई अपने घरों में कैद है, वहीं प्रशासन की टीम ने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। अस्पताल से लेकर श्मशान तक, दवा से लेकर ऑक्सीजन तक, हर जरूरतमंद को मिले इसका ख्याल रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11, भारत।